हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पैर चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है। इसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बाय मिस्टेक शायद मैंने एक्सरसाइज 6.2 बोला था अभी, तो वो नहीं 6.3 चल रहा है, ठीक है। चलो देखो इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें सब क्वेश्चन से बहुत सारे, ठीक है। तो जब भी सॉल्व बोला जाए या सॉल्यूशन बोला जाए तो याद रखना हमेशा इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेट, ठीक है, याद रखना इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। चलो शुरू करें। अब ध्यान देना यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसे पहले सेपरेट करेंगे। एक्स वाले टर्म्स डीएक्स के पास, वाई वाले टर्म्स डीवाई के पास। तो सर कैसे करें, मुश्किल नहीं है। देखो क्या करना है, dx इधर लेके आओ, dy इधर लेके आओ, तो देखो क्या हो जाएगा। ये 1 प्लस, यहीं से मैं सॉल्यूशन चालू करूंगा, ठीक है। ये 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा dy, ठीक है, और ये dx उधर चल जाएगा, तो यहाँ बचा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx। इसका मीनिंग क्या होगा सर? देखो हमेशा जो y वाले टर्म्स है वो y के पास और x वाले टर्म्स है वो dx के पास, dy के पास y वाले, dx के पास x वाले, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, dy हमेशा न्यूमरेटर में और dx भी हमेशा न्यूमरेटर में। ये कभी भी ऐसे नहीं होता है dy नीचे और ये 1 plus y square ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए वरना इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेट। तो यहां मैं पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ इंटीग्रेशन है बेटा और 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, आप जानते हो ये फॉर्मूला किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx क्या होता था बेटा, tan इनवर्स ऑफ x, बिल्कुल प्लस c, जानते हो ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। इधर लिख दोगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ दे दो c2 और मैं तो बोलता हूँ यहाँ दे दो c1, यहाँ दे दो प्लस c1, प्लस c1 ऐसे। अब c1 और c2 को मिला के एक हम कांस्टेंट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगा log, लिख रहा हूँ मैं, लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ y, ये इधर आके माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और ये c1 और c2 को मिला के एक कांस्टेंट c बना लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका यहाँ सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो इसे नोट करो, बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। अगर आप जानते हो बच्चों तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे, इस बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, मतलब उन्हें सॉल्व करके हम जो हमारे इक्वेशन से वो बनाने वाले, उल्टा जाने वाले पिछले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से उल्टा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी यहाँ डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट मत कर देना, यहाँ पहले लॉग को उधर ले जाके आप ये प्रॉपर्टी जानते हो क्या, सुनो पहले लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो क्या, लॉग बी टू द बेस ए अगर होता है और यहाँ अगर होता है कुछ एम, ठीक है, अगर लॉग टू द बेस, लॉग बी टू द बेस ई हो तो ई जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसका हो जाएगा कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ बी इज इक्वल टू ई का पावर एम, ठीक है। तो यहाँ ए जाना था, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये इसके लिए होती है प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ लो ये प्रॉपर्टी समझनी चाहिए आपको, फिर ये बहुत आसान है। देखिए वैसे ये लॉग का क्या हो जाएगा, फिर अब ये लॉग उधर चले गया तो dy by dx लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग उधर चले गया e बन गया, ये 2x plus 3y को इसने अपने सिर पे उठा लिया, ठीक है, पावर में आ गया मतलब वो, और इन दोनों को सेपरेट करना है। अगले स्टेप में क्या करना है, सेपरेट, क्योंकि सेपरेट किए बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो e का पावर 2x ये इंटू e का पावर 3y। अब ऐसे कैसे किया सर, आप जानते हो बेटा e का पावर m plus n अगर कर रहे हो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं पहले ऐसे होगा तब जाके बेस सेम करके पावर की एडिशन की होगी, बिल्कुल सर हम जानते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे बेटा, ये dx इधर और ये इधर, तो dy के 1 अपॉन e का पावर 3y और ये e का पावर 2x और ये dx उधर, ठीक है। चलो अब क्या करें, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट 1 अपॉन e, एक काम करते हैं 1 अपॉन e इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा
ई टू द पावर माइनस थ्री वाई डी वाई और यह हो गया इंटीग्रेट ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स। ठीक है सर, बिल्कुल। अब ध्यान देना, यहाँ जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर माइनस थ्री वाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में चाहे कुछ भी हो उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता एक्सपोनेंशियल को, लेकिन उसका जो फंक्शन है ये माइनस थ्री वाई, इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो ये माइनस थ्री वाई, इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली e का पावर f ऑफ x है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा e का पावर f ऑफ x वैसे क्या वैसा अपॉन d dx ऑफ f ऑफ x, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो नीचे इसका हो जाएगा बेटा डिफ्रेंसिएशन, तो आ जाएगा माइनस थ्री और ये y का हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है, क्योंकि हम नहीं सॉरी एक मिनट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो डिफ्रेंसिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू y, यानी dy बाय dy, यानी कि यहाँ 1, ठीक है। तो ये डिटेल में आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि डीवाई से चल रहा है इसलिए ऐसा हुआ, वरना यह डीवाई बाई डीएक्स आता अगर यह एक्स होता तो फिर ये भी नहीं होता ना, ये तो कांस्टेंट हो जाता है ना। सही है, सही है, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाता है, इज इक्वल टू यहाँ ई का पावर टू एक्स है बेटा, तो क्या कर लेते हैं ई का पावर टू एक्स अपॉन टू, बिल्कुल सर बिल्कुल हो गया खत्म ये तो, है ना। हाँ यहाँ लिखेंगे प्लस सी वन, यहाँ लिखेंगे प्लस सी टू, एक सी कॉम्बाइन करके लिख लेंगे हर बार, ठीक है, कांस्टेंट तो वैसे भी आइडिया सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली, है ना। तो यहाँ लिख सकते, देखो ये टू इधर चले गया, एक काम करते देखो फिलहाल तो क्या करते हैं, ये टू इधर बैठ जाते हैं, टू ई का पावर माइनस थ्री वाई और ये माइनस इधर हो जाएगा, ये सी को रहने दो, ऐसे टू सी वन लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ माइनस थ्री ई टू एक्स प्लस ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री सी टू, ठीक है, कांस्टेंट का नेचर वो कर लेंगे बाद में इधर में, ठीक है। तो माइनस थ्री वाई इधर आके प्लस थ्री ई का पावर टू एक्स निगेटिव, इधर आके पॉजिटिव, अब ये इधर पॉजिटिव तो फाइव वाई मत लिखना, डायरेक्टली सी लिख लेना, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स तो आखिर कॉन्स्टेंट है, चाहे फाइव सी है तो भी हम सी बोल सकते हैं, क्या है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो सी आ जाएगा। सी कब निकलेगा, जब हम एक्स और वाई के वैल्यू पता रहेगी तो वैसे आने वाला जैसे उसको आना है, यहाँ टू थ्री फाइव लगा कोई फायदा नहीं सी के आगे, वैसे भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे, यहाँ समझने लायक बात क्या थी, लॉग को पहले e के जो कि लॉग का बेसिक फॉर्मूला एक बार बता देते, लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग v टू द बेस a और m अगर है तो यहाँ आपको लिखना है v, ये a इस m को ऊपर उठा लेता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, लॉग यहाँ से हट गया इधर चले गया m उसके सिर पे, तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, वरना कर ही नहीं पाओगे टैकल, तो ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए वन टू एंड थ्री, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए ये भी बड़ा ही आसान है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन, एक काम करते पहले डी एक्स डी वाई तो बांट लेते, सर आपको बोल दो आप ही नहीं बांट रहे, चलो तो ये एक्स उधर चले गया तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मैं पहले स्टेप में कर दे रहा हूँ, यहाँ से सोल्यूशन चालू, देखो ये उधर का उधर तो माइनस का प्लस, ये डी एक्स और ये डी वाई जो है, ठीक है, उसके पास वाई जाएगा और ये डी एक्स ऊपर चले जाएगा, तो ये डी एक्स इधर, ठीक है, और ये x का 1 बाई एक्स बिल्कुल, और ये y नीचे यानी 1 बाई वाई डी, समझ गए, ये देखो ये न्यूमरेटर सॉरी ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, चलो तो इसीलिए इधर 1 बाय वाई और ये डी वाई जा रहा है भाई, ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करो सर, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग 1 बाय एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग 1 बाय वाई डी वाई, लेट्स फाइंड आउट, तो यहाँ हो गया लॉग एक्स, यहाँ हो गया लॉग वाई और यहाँ हो गया प्लस सी, बस ऐसे भी छोड़ोगे तो चले हो गया आंसर बस, ठीक है, ये भी है ना पिछले क्वेश्चन है, अगर यहाँ ही छोड़ देते ये इधर लेके उधर इक्वल टू सी लिखते, ये माइनस सी उधर जाके होगा, ये सब भ्रम मत पालो, वो माइनस सी हो प्लस सी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, जब आप सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू वही आने वाली है चाहे उसका साइन कुछ भी हो फिलहाल यहाँ, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो सी तो हम कुछ भी लिख सकते उसे, ठीक है। चलो तो यहाँ ये क्वेश्चन समझ गया होगा, बहुत ही आसान था, नोट कीजिए वन टू एंड थ्री हो गया। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, अब ये बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना, तो देख के कहीं सोच में तो नहीं पड़ेगा कि इतना मुश्किल है, नहीं है मुश्किल, देखो कितना आसान है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इंटीग्रेशन किया नहीं है, सिंपल वाला सब्स्टिट्यूशन, एक फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन में सीखा याद है आपको, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक मिनट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स
प्लस सी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आ गया पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये पूरा आपको आ गया, ठीक है। चलो तो अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये टैन मैं उधर लेके जा रहा हूँ और टैन एक्स नीचे लेके आ रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, मैं यही से क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ सॉल्व करना। sec स्क्वायर x अपॉन ये टैन x, ठीक है, और dx वैसे के वैसा, ठीक है, इज इक्वल टू टैन y उधर और ये उधर चले गया माइनस, तो माइनस sec स्क्वायर y, समझे ना। देखो मैं इसे उधर लेके गया तो माइनस में हो गया पहले ये तो, ठीक है। फिर इधर जो टैन x था उसके नीचे और ये टैन y उसके नीचे, sec स्क्वायर y और यहाँ टैन y और यह हो गया dy, ठीक है। लेट्स इंटीग्रेट नाउ, इंटीग्रेट sec स्क्वायर x टैन x और यहाँ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस बाहर sec स्क्वायर y टैन y और यहाँ dy, और सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ टैन y या टैन x जो भी है, ठीक है, इट इज sec स्क्वायर x, सब जानते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये f of x है, ठीक है, और ये f dash of x है। तो ये तो ऊपर बैठा है ना, देखो ये ऊपर बैठा है, यहाँ भी ऊपर बैठा है, डायरेक्टली हो गया log of, ध्यान देना, log of यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, log of tan x, ठीक है, प्लस log of, सॉरी प्लस नहीं, इधर आके प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे लिखते हैं, फिलहाल इधर ही लिखते हैं, log of माइनस log of tan y, ठीक है, प्लस c। अब दोनों इधर c लोगे, c1 c2 तो भी चलेगा, एक साइड लोगे तो भी चलेगा, अब तो आदत हो गई होगी ना, यहाँ ले लो इसे, तो log tan x और यहाँ हो गया प्लस log tan y, ठीक है, इज इक्वल टू c। अब यहाँ और एक जुगाड़ कर सकते हैं, ये log एक साथ लिख के tan x tan y का मल्टीप्लाई कर दो, वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बच्चों, वन टू एंड थ्री, तो नोट कर लिया बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ टेक्स्ट बुक में जब मैंने आंसर देखा तो यहाँ log नहीं है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ भी log था, ठीक है, तो आप यहाँ से log हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ हो जाएगा log ये tan x into tan y, क्योंकि addition में क्या होता है, log के angle multiply करते हैं equal to log c, तो अब यहाँ भूल है कि आप log हटा सकते बड़े आराम से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा tan x into tan y is equal to c, ठीक है। अब ऐसा ही पिछले क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन यहाँ छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये log वैसे भी ये log c यानी log 3 log 4 log 5 कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसकी वैल्यू हमें पता है, log टेबल से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कीजिए, इतना करेक्शन है इसमें, करेक्शन इन द सेंस इतना करना है आगे, ठीक है। चलो आगे पिछला क्वेश्चन भी आपको बता दूं, यहाँ भी क्या करना है आपको, एक्चुअली यहाँ ऐसा है आपका कि यहाँ भी log c ले लो आप, क्या करना, यहाँ मैंने अभी टेक्निक में देखे आंसर, तो यहाँ उन्होंने इस तरीके से जुगाड़ किया हुआ, तो log c, ठीक है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये log का मल्टीप्लाई हो गया y c, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू सी वाई, तो ये भी आपका आंसर सही है, या यहाँ भी छोड़े तो चलेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ये 4 नोट कर लिया, ठीक है, चलो 5 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 10 क्वेश्चन से हलवा हलवा है, बोले मुश्किल नहीं है ज्यादा। देखो cos x cos y सेम टू सेम tan और sec जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये भी साइन और कॉस एक दूसरे के डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन दोनों जगह जुगाड़ जाता है, ठीक है, इसे उधर लेके जाओ तो cos x cos y dy इज इक्वल टू ये माइनस को उधर जाके प्लस sin x sin y dx, सर वहां तो आपने नहीं किया है, क्यों कर रहे, बस ऐसे आपको बताने के लिए, ठीक है। चलो किसी बच्चे को वहां समझा नहीं होगा तो यहाँ समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो sin y यहाँ cos y के नीचे, ठीक है, dy और यहाँ cos x sin x के नीचे, तो sin x cos x और यहाँ dx, अब दोनों साइड इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग cos y sin y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग sin x cos x और यहाँ dx, अब क्या करेंगे, sin का जो डेरिवेटिव है वो cos है, ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ मैं दो फॉर्मूले लिखना चाहूंगा, ठीक है, देखो d dx ऑफ sin x इज cos x, एवरीबॉडी नोस दिस, d dx ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, ये भी सबको पता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है सर, कॉस एक्स के ऊपर तो साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस में होना चाहिए, क्या बेटा इतना लोड क्यों ले रहे हो, तो एक काम करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, दो बार माइनस ले लो, एक बाहर ले लो एक अंदर ले लो, इसका मीनिंग तो प्लस ही होना है एक्चुअली, हम यही बोल सकते हैं ये तो प्लस ही है ना, मैंने तो ये जुगाड़ के लिए माइनस लिया है, ऐसा मैं बोल सकता, और वही फॉर्मूला जो पिछले इसमें लगाया थे,
इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा log ऑफ sin y। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस log ऑफ cos x। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस का जुगाड़ किया ना ये माइनस लाने के लिए इसलिए। ठीक है, और यहाँ हो गया dx, तो यहाँ हो गया प्लस सी। ठीक है, चलो इधर तो प्लस सी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि log c तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, एक काम करो इधर ले जाने से अच्छा उधर भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है टोटल। ठीक है, यहाँ cos x c cos x भी लिख सकते हो, या इधर इसे लेके आओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा log sin y into cos x, क्योंकि ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू log c। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे तो ऐसी उम्मीद है टेक्स्टबुक में ऐसे आंसर होगा, sin y cos x इज इक्वल टू c, तो ये शायद आंसर टेक्स्टबुक में दिया है। ठीक है, यहाँ भी छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लेके आ जाओ। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखना ध्यान से। ठीक है, के दिया गया है तो डरना नहीं है, ये क्या हमें क्या करना है के का, वैसे भी इंटीग्रेशन बड़ा ही दयालु है, किसी कांस्टेंट को जीरो नहीं करता। ठीक है, तो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस k। ठीक है, ये dx उधर लिख दो, ये k dy के पास रहो dx के पास रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। ठीक है, तो यहाँ माइनस k dx। ठीक है, वैसे भी उस k का साइन भी चेंज नहीं होगा ये भी मुझे पता है, तो कर दो इंटीग्रेशन, दो साइड इंटीग्रेशन dy, यहाँ कुछ नहीं आने वाला, यहाँ इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट बाहर तो माइनस के बाहर इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ y यहाँ माइनस kx, बस छोड़ दो आंसर, तो यहाँ प्लस सी कर लो बेटा, बस इतना करना हो गया आंसर। ठीक है, वो प्लस सी लिखना कंपलसरी है, छोड़ दोगे वरना। ठीक है, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देख के बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन कोई नहीं, इंटीग्रेशन कभी भी स्क्वायर वगैरह का होता नहीं, पता होगा आपको, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हो, यस जैसे यहाँ लिखा है, होगा नहीं वो, मुझे पता है 100%, वो तो मैं सेपरेट करूंगा तब ये आने वाला है, मुझे पता है, तो तब मैं कॉस स्क्वायर और साइन कॉस स्क्वायर ना कॉस स्क्वायर एक्स के लिए कुछ फॉर्मूला लगा दूंगा, तो वो फॉर्मूला आप जानते हो क्या होने वाला है, 1 + cos 2x, पता है ना। चल ठीक है, नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, देखो वो उधर चल जाएगा, ये साइड चल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर वाई यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई डीवाई बाय एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हो गया, अब ये वाई इधर चले गया, तो वाई कॉस स्क्वायर वाई डीवाई इज इक्वल टू, ये एक्स इधर चले गया माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ कॉस स्क्वायर वाई है ना, तो ध्यान देना कॉस स्क्वायर वाई, ध्यान से ये 2 cos² y होना चाहिए था, तब मैं बड़े आराम से सॉल्व कर लेता, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ कॉस स्क्वायर वाई है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1 + cos² x इज इक्वल टू, या मैं थीटा ले लूँ तो ज्यादा जनरलाइज कर पाऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos² θ/2, या एक काम करता हूँ यहाँ 2θ ले लेता हूँ, यहाँ मैं 2θ ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 2θ, यहाँ 2θ होता है, अरे यार मैं चुप लो, यहाँ होता है 1 + cos² θ इज इक्वल टू 2 cos² θ, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही बेटा, तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना यहाँ आप क्या करोगे, ये 2 इधर डिवाइड में ले लोगे और यहाँ से ये 2 हटा दोगे। ठीक है, मतलब ये 2 मैं यहाँ से हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में 2 लिख के, तो थीटा की जगह एक्स वाई लिख दो, हो गया आपका आधा काम यही खत्म, तो कॉस स्क्वायर वाई में क्या आ जाएगा 1 + cos y / 2। ठीक है, डीवाई यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे 1 + cos 1 + यहाँ एक मिनट देखा, यहाँ एंगल भी हाफ है ना, हाँ एंगल नहीं वो सही है, 2 2y, यहाँ 2 हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ 2y हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, देखो ये है अपने पास, ये चाहिए तो 2θ आएगा 2y। ठीक है, यहाँ भी 2x/2। ठीक है, और यहाँ dx, तो यहाँ कर लेंगे बेटा हम इंटीग्रेट अब, लेकिन उसके पहले 1/2 बाहर निकाल लो, डायरेक्ट करते चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर लो, माइनस ऑलरेडी बाहर ही आ रहा था तो मैंने बीच में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो पहले y
इंटीग्रेशन ऑफ वाई प्लस एक काम करके डायरेक्ट डायरेक्ट बैठते देखो y बन जा y यहाँ डिवाइड हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन देखो y इनटू y कॉस 2y अपॉन 2 dy ठीक है ये हो गया आपका यहाँ ये 2 दोनों के पास जाएगा इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा तो मैं काम करता हूँ इसका 1/2 डायरेक्टली बाहर लिख लेता हूँ ठीक है ये ऊपर पूरा लिखते हैं फिर इसको ब्रैकेट देना पड़ता है इसमें सेपरेट दो इसका 2 अलग और इसके नीचे 2 अलग सेपरेट हो जाएगा ना ठीक है इज इक्वल टू इधर देखना इधर भी माइनस 1/2 बाहर निकाल लेता 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x dx और इसके साथ करेगा तो इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2 और की x वैसे का वैसा आगे लग जाएगा ठीक है अभी इसे सॉल्व करना है यहां तो बाय पार्ट्स लगेगा हम सब जानते हैं कि इसे बाय पार्ट्स लगेगा इसे बाय पार्ट्स लगेगा इसे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है ठीक है तो एक काम करना है इसे बाय पार्ट्स से सॉल्व करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है cos का डायरेक्टली साइन आ जाएगा ठीक है कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ये मैं मिटाओगे ये हो गया ना आपका ठीक है अब देखो यहां मैं क्या कर रहा हूँ इसे और इसे सेपरेट सॉल्व कर लेता हूँ ठीक है तो मैं y cos 2y सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ एक मिनट y cos 2y इंटीग्रेशन को सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ dy फिर dx के लिए सिमिलरली करके लिख देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा बाय पार्ट्स के कारण y इंटीग्रेशन cos 2y ये स्क्वायर नहीं है 2y है ध्यान देना बहुत से बच्चे स्क्वायर समझ लेते हैं 2y ठीक है सेपरेट हो गया अभी मैं ऐसे जोड़ के लिखता हूँ लेकिन एक्चुअली वो जोड़ के नहीं है ठीक समझ ले रहा हूँ 2y ठीक है अब ये cos 2y देखो l i a t e में t बाद में आता है और अलजेब्रिक पहले इसलिए e बाहर निकाला ठीक है l i a t पता होगा ना आपको इतना तो पता होगा इंटीग्रेशन कराए तो ठीक है तो माइनस ये dy माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ y तो d यहाँ dy से कर रहे तो d dy ऑफ y डिफरेंशिएशन में भी y आएगा डी डी एक्स मत लिखना y का नाम चल रहा सारा ठीक है देखो अंडरलाइन किया था ना मैंने y ये ठीक है चलो अब आगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y और यहाँ dy और यहाँ भी dy ठीक है दिख रहा है क्या आपको हाँ दिख रहा है चलो थोड़ा बारीक है ठीक है एक मिनट ही वापस लिख रहा हूँ सोच रहा हूँ इस लाइन को हटा दूँ ठीक है हो गया चलो ये वापस लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos 2y dy और यहाँ एक बार वापस से dy ठीक है अब दिख रहा है अब देखो अभी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर लाएंगे इसका आंसर ला रहे हैं ठीक है तो यहाँ देखो y cos 2y का sin 2y upon 2 ठीक है माइनस यहाँ क्या हो जाएगा dy by dy का 1 ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y sin 2y तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2y और ये 1/2 आएगा इसका क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा नीचे 2 आएगा इसका sin 2 आएगा अपॉन 2 आएगा तो वो 2 डायरेक्टली बाहर यहां भी dy वापस से एक बार sin का cos तो ये माइनस और ये माइनस प्लस तो y by sin 2y upon 2 माइनस देखो इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा cos 2y अपॉन 2 इसका भी आएगा वो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा और यहां माइनस आएगा sin से cos जाते समय इंटीग्रेशन में माइनस तो यहाँ प्लस ठीक है और हो गया प्लस सी बस ये आ गया आपका इंटीग्रेशन cos 2y dy cos 2y और यहाँ dy ठीक है चलो तो यहाँ आप क्या कर सकते हो आप इसे ऐसे नोट कर लो ठीक है बच्चों तो यहाँ देखो इसी तरीके से आप सेम टू सेम x के लिए करोगे सिर्फ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लगा दोगे और इसमें वैल्यू पुट कर दोगे ठीक है तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसका आप सिंपलीफाई करके खुद से कर लो ठीक है कुछ नहीं मैंने आपको मेन स्टेप तो करके दे दिए बाकी आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3 चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आगे कर लिया होगा आपने पॉज करके किया करो ये सारी चीजें ठीक है चलो अब ये देखो ये एट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस डीवाई बाई डी एक्स तो ध्यान देना वाई क्यूब माइनस डीवाई बाई डी एक्स तो ये इसे क्वेश्चन चालू कर देता डीवाई बाई डी एक्स को उधर भेज देता तो एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स और ये माइनस को उधर जाके प्लस भी हो जाएगा और ऊपर से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन भी आ जाएगा देखो वाई क्यूब इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स कॉमन तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है अब यहाँ डी एक्स को मैं ऐसे ले लेता ऊपर और ये इसके नीचे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ठीक है और यहाँ ये देखो समझ गया ना
ये देखो ये नीचे चलेगा 1/100x ऊपर, ये dy यही रह गया और 1/y³ हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट ये करते हो, आपको सारे स्टेप्स बताए, एक्स्ट्रा स्टेप आप कर लेना इंटीग्रेटिंग लिख के नीचे। तो ये लिखा ना मैंने, सिंपल है। देखो कंफ्यूज हो गए शायद आप, देखो क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन यहाँ लगाया, आप क्या करना आगे और एक स्टेप करना फिर इंटीग्रेशन करना। अब मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, चलो 1/y³ और ये dy, ठीक है। अब यहाँ देखना ये किसका फॉर्मूला है, 1+x² सर tan का है, बिल्कुल tan इनवर्स ऑफ x हो गया यहाँ, ठीक है। उधर क्या हो गया बेटा, ये y का पावर ऊपर जाके माइनस थ्री, मतलब इंटीग्रेशन y का पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में होता है x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1/n+1, ठीक है। मैंने ds नहीं लिखा, मुझे पता है, यहाँ लिखेंगे y का पावर -3+1, तो ये -2 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में भी क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। एक काम कर ले, अच्छे से लिख के y का पावर -2/2, ठीक है, और यहाँ प्लस सी दे देते। तो आगे ये y स्क्वायर जो है बेटा, ये नीचे लेके आओ, y का पावर -2 नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x ये नीचे हो गया, तो 1/2y² + c। ध्यान देना ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y² tan इनवर्स ऑफ x। और यहाँ देखो पहले यहाँ किया उसने, फिर उधर गया, मैंने यहाँ पहले जरूर लिखा लेकिन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1+2cy² / 2y², तो वो 2y² इधर गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, ठीक, मैं जानता हूँ कि आप ये सारे स्टेप प्लान जानते हो, ये यहाँ से प्लस से यहाँ आके माइनस, ठीक है, तो 2y² tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये -1 = 2cy² बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे माइनस चाहिए था यार, यहाँ माइनस नहीं दिया मैंने, एक काम करना यहाँ माइनस दे देना, यहाँ ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये माइनस देना रह गया था, ठीक है, ये माइनस देना चाहिए, क्लियर। अब यहाँ माइनस कॉमन निकाल के आप ये वाला और ये वाला माइनस काट सकते हो, वो बात अलग है, तो लास्ट में आंसर पॉजिटिव ही आएगा एक्चुअली, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x +1 = 2cy², यही आंसर आएगा, लेकिन माइनस देना मैं भूल गया था, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2 और 3। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके दूंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया, ठीक है। वो dy उधर लेके जाओ, ठीक है, और इस e का पावर x है ना, इसको यही बांटना चालू करो, यहाँ से देखो 2e का पावर x होगा, ठीक है, और यहाँ प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई की भी एडिशन में थी, 1 का पावर n होता है, 1 का पावर n+n, प्लस में थोड़ी होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया 1 का पावर 2y, ठीक है, यहाँ dx, ये उधर जाके +3dy, अब ये y वाली टर्म उधर लेके जाओ डायरेक्टली, तो यहाँ हो गया 2e का पावर x dx, और ये 3, ये पावर उधर जाके निगेटिव हो जाएगी, तो ये नीचे जाएगा ना अपॉन में, तो ऊपर जाके निगेटिव, तो e का पावर -2y dy, ठीक है। अब इंटीग्रेट करके आंसर आप निकाल लो, हो गया सॉल्व, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, आगे 2 स्टेप में आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2 और 3, ठीक है। आशा है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, पॉज करके, पॉज करके करना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक। चलो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम टाइप का है, कुछ मुश्किल नहीं ज़्यादा। dy बाय dx सर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करके आपको भी आ जाएगा। देखो e का पावर x + e का पावर y + x² e का पावर y, अब यहाँ देखो e का पावर y कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो dy बाय dx e का पावर y कॉमन ले लो। मैं ये स्टेप कभी नहीं लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन से उठाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो आपको लिखनी है e का पावर y, e का पावर x + x², अभी x वाले सिर्फ बच गए, ये e का पावर y बाहर, तो e का पावर y dy के नीचे लिखे 1/e का पावर y, ठीक है, ये अब इसका गणित इसके साथ आगे, उसके गणित उसके साथ लिखे, तो e का पावर x + x², एक मिनट, ये x की ज़्यादा पूछ बड़ी होगी इसकी, e का पावर x + x², और ये dx उधर, ठीक है, तो ब्रैकेट देना है, फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 1/e का पावर y, एक्चुअली ये ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर -y dy हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन, तो e का पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन x² dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर आगे, बहुत आसान है, e का पावर y है ना, तो e का पावर -y का इंटीग्रेशन वही आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ नीचे इसका डेरिवेटिव -1 बैठ जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नीचे -1, ठीक है, इंटीग्रेशन तो होता नहीं है एक्सपोनेंशियल का, तो वैसे ही चले जाएगा, लेकिन इस -y का
नीचे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका माइनस वाई का डी डी वाई ऑफ माइनस वाई, तो ये माइनस बार डी वाई कैंसिल, ठीक है चलो समझ लो ना दिखा क्या आपको ये, ठीक है यही, ठीक है। अभी देखो इसका पावर एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर भेज दो, ठीक है इसका कुछ होगा भी नहीं आगे कॉन्स्टेंट है सॉरी, ठीक है पावर एक्स को डिफरेंशिएट नहीं होता है, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वही आएगा, ना ही डिफरेंशिएट होता है ना इंटीग्रेट होता है, याद रखना ठीक है आपको पता होगा फिर भी बोल रहा हूँ एक बार। यहाँ देखो यहाँ एक्स का पावर एन वाला तो एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का पावर एन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स का पावर एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है यहाँ डी एक्स नहीं लिखा था आपने बिल्कुल, ठीक है चलो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ प्लस सी ले लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स, तो यहाँ थ्री मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है यहाँ थ्री मल्टीप्लाई कर देगा इसके साथ, तो थ्री का ओवरऑल थ्री से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल कर दो मैं तो बोलता हूँ करना ही पड़ेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है कर दो यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ थ्री का पावर एक्स यह हो गया एक्स क्यूब यह हो गया थ्री सी, ठीक है अब ये थ्री सी हो या बी सी हो कोई लेन देन नहीं अपने को कुछ भी हो जाए ए सी बी सी थ्री सी डी सी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है वो जो है ये कॉन्स्टेंट है हमारे लिए, उसके पास हजार सी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है याद रखना। अब ये इधर आ गया तो माइनस थ्री ई का पावर माइनस वन, ये इधर आ गया माइनस थ्री ई का पावर एक्स और ये माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू थ्री सी, तो ये थ्री सी को आप सी भी बोल सकते हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है एक काम करो इसे ऐसे लिखना है माइनस कॉमन निकालो माइनस भी उधर भेज दो, तो यह हो गया थ्री ई का पावर माइनस वाई प्लस थ्री ई का पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, ऐसा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि थ्री सी एक कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है चलिए नोट कीजिए वन टू एंड थ्री, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर टू भी फिनिश कर दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री लाएंगे अगले लेक्चर में, तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है क्योंकि इंटीग्रेशन का पार्ट था थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, वैसे बेसिक इंटीग्रेशन ही था बहुत कुछ हाई लेवल का था नहीं, ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्टडी विद यूनिक के साथ बने रहे पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।